राजस्थान विधानसभा चुनावों में वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर लगातार सियासी कयासों का दौर जारी है। इस बीच वसुंधरा राजे का एक बयान सियासी हलकों में भी चर्चाओं में है। आगाज के बाद परिवर्तन संकल्प यात्रा में नजर नहीं आने वाली वसुंधरा राजे ने महाभारत के एक प्रसंग का जिक्र कर हर राजस्थानी के हक में लड़ने रहने का ऐलान किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर जयपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी कयासों का दौर जारी है। सामूहिक तौर पर पार्टी द्वारा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद भी कई बार वसुंधरा राजे का जिक्र हो रहा है। परिवर्तन यात्रा के आगाज के बाद नदारद रही वसुंधरा राजे अचानक न सिर्फ नजर आई बल्कि एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया। लेकिन राजे ने महाभारत के एक प्रसंग का जिक्र किया, ये किस मंशा और किसे लेकर किया, उसे लेकर सियासी हलकों में चर्चाएं जोरों पर हैं। दरअसल वसुंधरा राजे ने जयपुर में अपने आवास पर रक्षा सूत्र कार्यक्रम आयोजित किया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। प्रदेश भर से भारी संख्या में महिलाएं वसुंधरा राजे के आवास पर जुटी। राजे ने कहा कि महाभारत में कृष्ण की अंगुली कट गई थी तो द्रौपदी ने साड़ी फाड़कर कृष्ण की अंगुली पर बांधी थी। कृष्ण ने भी कौरवों से उसकी रक्षा की। मैं भी कृष्ण की प्रेरणा से आपकी सेवा के साथ हर राजस्थानी के हक के लिए लड़ती रहूंगी। मैं एक चीज और आपको कहना चाहूंगी, एक कहानी है। कहानी क्या? महाभारत की है। आपको सबको मालूम है कि जब कृष्ण जी ने वो सुदर्शन चक्र अपनी उंगली पे उठाया था तो उंगली कट गई थी, याद है? तब खून बहने लगा तो उस खून को रोकने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी को चीर करके और उसको बांधने का काम किया कि खून रुक जाए। तो खून रुक गया। उन्होंने ये कहा, मैं वर देता हूं तुमको कि जब भी तुमको मेरी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी तुम मेरी याद करना और मैं तुम्हारे बीच में आ जाऊंगा। तो उसको कोई जरूरत पड़ी नहीं, परंतु एक दिन जब वो कौरवों से घिर गई थी और जब वो उसके साथ बदसलूकी करने लगे थे, ऐसे समय में उनके बीच में घिर के भगवान आंख बंद करके भगवान की याद उसने की और उसने कहा कि हे कृष्ण, अब यह है समय, अगर अभी नहीं बचाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहा, ये मेरी इज्जत का सवाल है। उसने आंख बंद किया, सब लोग हंसे, सब ने कहा रे मजाक की बात है, कहाँ आएगा कृष्ण, तुम्हारी बात सुन के थोड़ी उतरने वाला है, यहाँ मजाक करे। परंतु उसकी सच्ची भक्ति थी, उस सच्ची भक्ति की वजह से आपने देखा होगा कि कृष्ण वहीं के वहीं पहुंच गए। हालांकि पार्टी ने वसुंधरा राजे के बयान को लेकर राजस्थान में महिलाओं की प्रताड़ना के तौर पर देखा, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि महिला शक्ति कांग्रेस सरकार को जवाब देगी। देखिए कि वर्षों पुराना सपना था देश का, वो पूरा होता रहा है और ये खुशी है उस बात की। और आज राजस्थान में नारी शक्ति प्रताड़ित है, जिस प्रकार से प्रताड़नाएं हो रही हैं, तो सभी नारी शक्ति महिला शक्ति एकत्र होकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एकत्र हुई। द्वापर युग में महाभारत में द्रौपदी के साथ क्या हुआ था, किस प्रकार से श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की, ये सभी जानते हैं। लेकिन सियासी युग में जब वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म होने के कयास लगाए जा रहे हैं, तब उनका ये बयान आना राजनीतिक हलकों के लिए कई मायनों में अहम माना जा रहा है। लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट, सच बेधड़क।